कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। लगभग 45,000 वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके कुछ तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। लगभग 7-8 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सरकारी नियुक्ति पत्र मिल रहा है आज इसी मंच से, और ये कहते हैं कि नियुक्ति नहीं मिल रही। 1932 आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहते हैं तो इनको साफ सुनने लगता है। जहां वहां के गवर्नरों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे इस राज्य में भी की दिक्कत है? स्थानीय लोगों को रोजगार में देने में यहां पर क्या तकलीफ है हमारे विपक्षों को? राज्य में सरकार आप बनाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम कर रहा हूं। कि नवजात झारखंड जब 2000 ईस्वी में जन्म लिया तो उसको दूध पिलाने के लिए, उस नवजात झारखंड को बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जिन लोगों को जिम्मा मिला, उन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य की स्थिति ऐसी कर दी कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरने लगा, किसान आत्महत्याएं करने लगी। हम लोग विपक्ष में थे, सहानुभूति के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अलग राज की तो लड़ाई हम लोगों ने जीता, लेकिन राज को संवारने का जो जिम्मा जिनको मिला, उन लोगों ने डबल इंजन भी बनाया, सिंगल इंजन भी बनाया, और डबल इंजन दोनों हाथों से मिलकर राज का सत्यानाश कर दिया। राज में सरकार आप बनाते हैं, राज के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम कर रहा हूं। हमने चुनाव के समय पहले ही कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो यह सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा आज पंचायत पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36,20,000 लोगों को राशन का कि राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन, और सभी कि आज झारखंड में कई ऐसा घर है जहां अगर पिताजी 98 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, अगर उस बेटा का बेटी भी है तो बेटी को भी सावित्री फूले बाई योजना दे रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो सरकार का कोई ना कोई योजना ना ले रहा हो, लेकिन आज की इस हालात, झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग, जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। आज हमारा भी बात वही हाल है, आज हम लोग का भी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा धन कोयला कंपनियों का केंद्र सरकार में बकाया है,
1,36,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों को पैसा मिलता है, हमको नहीं मिलता, ये अजीब भेदभाव। और आपको मालूम होना चाहिए पशुधन पर इसलिए हम लोग जोर देते हैं कि आज भी इस राज्य में मांस मछली की खपत बहुत अधिक है। यहां पर आंध्रा से मछली आता है और आंध्रा के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे राज्य के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। मुर्गी भी दूसरा राज्य से आता है, बकरी भी दूसरा राज्य से आता है, यह विडंबना है। अगर हमारे ही किसान यहां पर जानवर पालना शुरू करे तो वो पैसा हमारे किसानों को जाएगा, ना कि दूसरे राज्य को जाएगा। इसलिए हर संभव प्रयास है कि हमारे राज्य में पशुपालक आगे बढ़े और कृषि विभाग 90% के अनुदान में हम जानवर उपलब्ध करा रहे। लोगों की जाने जा रही थी बीमारी से, कालाजार मलेरिया जैसे बीमारी से, और हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़े लंबे चौड़े सूचना तंत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से सरकार को बदनाम करने में लगे। हम आपको बताएं, ये जो बीमारी है कालाजार, ये मलेरिया, ये सब गरीबों का बीमारी है, अमीरों को नहीं होता है। जिसका घर नहीं होता है, जिसका झोपड़ी नुमा घर, साफ सफाई नहीं, वहीं पर ये बीमारी पनपता है। और उन पहाड़ियों के पास भी आवास नहीं था, और आवास के लिए इस राज्य को के लगभग 8 लाख गरीबों को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा था। और आवास के लिए जो एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है उसका आवंटन के लिए हम और विभागीय मंत्री आलमगीर साहब नाक रगड़ते रहे, लेकिन हम लोगों को केंद्र सरकार ने आवंटन नहीं दिया, बल्कि हमारे हिस्से का आवंटन यूपी को दे दिया बगल के राज्य में, और हमारे गरीबों को छोड़ दिया। इसका मतलब अब यहां गरीबों को आवास नहीं मिलेगा। अब ये बोलेंगे जब डबल इंजन की बनेगी तभी आवास मिलेगा, तो हम बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, ये ब्लैकमेलिंग का काम नहीं होगा। अब राज्य सरकार अपने जिम्मेदारी से केंद्र से बेहतर आवास बना करके आबुआ आवास की योजना आपको देने की तैयारी कर रहा, और वो अभी 80 हम लोगों ने शुरू किया है। इसकी संख्या इसको 5,000 ले जाएंगे, हर लगभग राज्य के हर कोने में ये स्कूल बनेगा। अभी हमारे गरीब घर के बच्चे शहर में आकर के कल्याण विभाग के छात्रावास में रह करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उन छात्रावासों की स्थिति अगर हम कहें तो संभ्रांत व्यक्ति का बाथरूम से भी, शौचालय से भी बुरा हाल है उन हॉस्टलों का। जब से बना कभी भी चूना पचोड़ा आज तक नहीं हुआ उसमें, लेकिन सरकार का दृढ़ संकल्प हुआ और आज हम लोगों ने इस राज्य के सभी कल्याण विभाग के छात्रावास का जीर्णोद्धार करने का काम किया है, और आज कई छात्रावास बन भी गए हैं और कई छात्रावास में 6,000 करोड़ से लगभग अधिक की लागत से पूरे राज्य भर में ग्रामीण सड़क बनाया जा रहा है, और वहीं 7,000 करोड़ से अधिक पथ निर्माण विभाग से सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। रांची जैसा शहर देखिए, जहां लोग आज यहाँ की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग आज रेंग रेंग के चलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन 20 साल में कभी भी इस समस्या का समाधान इन लोगों ने नहीं किया। आज आप रांची में देखिए, चारों तरफ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, राज्य के सभी जिलों का बाईपास स्वीकृत हो चुका है, कई जिलों में काम पूरा हो चुका है, कई जिला का शिलान्यास हो चुका है, कई जिला में काम चल रहा है, और केंद्र के द्वारा संचालित डीवीसी के द्वारा बिजली उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सरकार का 1,000 रुपया भी अगर एक दिन बकाया रह गया तो बिजली काट देता है, क्योंकि केंद्र सरकार का उपक्रम है। बड़ा दुर्भाग्य, हमारा जमीन, हमारा पानी, हमारा कोयला,
लेकिन यहां के लोगों को बिजली नहीं मिलेगा। और हमारी सरकार की कैसे किरकिरी हो, सरकार कैसे बदनाम हो, इसकी छवि कैसे खराब हो, इसका जीता जागता उदाहरण है जब राष्ट्रपति महोदया आती है उस समय डीवीसी बिजली काट देता है। आज के दिन में भी, आज इस समारोह में भी लगभग 7-8 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सरकारी नियुक्ति पत्र मिल रहा है आज इसी मंच से, और ये कहते हैं कि नियुक्ति नहीं मिल रही। और अभी आपको हम बता दें लगभग 45 हजार वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकल पड़ी है, निकल चुकी है, जिसके कुछ तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा हुई है उसका भी रिजल्ट निकल चुका है। पहली बार बिना किसी विवाद का रिकॉर्ड तोड़ 250 दिन के अंदर जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित करके झारखंड के 95% युवा युवतियों को बीडीओ सीओ कलेक्टर बना करके हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया। और तो और सुनकर बहुत खुशी होगी आपको कि उस जेपीएससी के माध्यम से इस राज्य में जो बच्चों ने बीडीओ सीओ कलेक्टर बनने का काम किया है, उन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बेटी, किसान मजदूर का बेटा, ऐसा लोगों का रहा है। लगभग 33 बच्चे मुझे लगता है बीपीएल परिवार के नीचे से भी आते हैं, रहे होंगे, ऐसे बच्चों ने जेपीएससी परीक्षाएं पास की। और पूर्व की सरकार की हर परीक्षाओं में कोई ना कोई धांधली। और यहां जब हम स्थानीय नीति की बात करते हैं, जब 1932 आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहते हैं तो इनको साफ सुनने लगता है, दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलकर कोर्ट कचहरी करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं। राज्यपाल महोदय के यहां जाकर के कानाफूसी करके उनके कान भरने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के कानून हैं जहां वहां के गवर्नरों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे इस राज्य में भी क्या दिक्कत है? स्थानीय लोगों को रोजगार में देने में यहां पर क्या तकलीफ है हमारे विपक्षों को? The follow-up.in, like, share and subscribe.